हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हर रोज़ आपसे 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज का जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है दैट इज़ एनवायरनमेंट। आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सो द क्वेश्चन हेयर इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज द हार्ट डिजीज। ए ऑप्शन है आपके पास ओजोन, बी है दैट इज कार्बन मोनोक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और इज इट डी सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपसे पूछा गया है इट कॉजेज हार्ट डिजीजेस, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, इट इज कार्बन मोनोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो कार्बन मोनोक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ हायर एफिनिटी करता है। हायर एफिनिटी का मतलब क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा विद हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है ये क्या करता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगर इसने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया है विद कार्बन मोनोक्साइड, दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा और ये आपकी आर्टरीज में क्या पहुंचाना शुरू कर देगा, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड विच इज डेडली। सो यहां पर आपको हार्ट डिजीज हो सकती है इफ देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट। अब देखिए कार्बन मोनोक्साइड जनरेट कैसे होती है। देखिए जो भी आपकी वेहिकुलर एमिशंस हैं, जब उनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, तभी आपकी एनवायरनमेंट में क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोक्साइड। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो अगर आपको कार्बन मोनोक्साइड पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि जो कार्बन मोनोक्साइड है वो कैसे आपका फॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी वेहिकुलर एमिशंस हैं अगर वो इनकम्प्लीटली कंबस्ट हो रही हैं तो वो एनवायरनमेंट में क्या प्रदूषण फैलाएंगी, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड। अब कार्बन मोनोक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है जिसकी वजह से इसकी हायर एफिनिटी हो जाती है विद कार्बन मोनोक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या है कि बॉडी में क्या सर्क्यूलेट होगा, कार्बन मोनोक्साइड विच इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, इट इज फेट। ठीक है जी। सो यहां पर ये एक्सप्लेनेशन है, आप डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। सो जो कार्बन मोनोक्साइड है वो ऑक्सीजन को छोड़ के किसके साथ अपना कंपाउंड बना लेता है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ। सो यू कैन सी हियर कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स रैपिडली विद हीमोग्लोबिन विद एन एफिनिटी मोर दैन 200 to 300 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ना बना के ये किसके साथ कंपाउंड बना लेता है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ। इसीलिए आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी दैट कार्बन मोनोक्साइड हैज हायर एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं जब ये फॉर्मेशन हो जाती है इसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है एंड इट लीड्स टू हार्ट डिजीज। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन ए असम, बी राजस्थान, सी दैट इज उत्तरांचल, और इज इट डी वेस्ट बंगाल। सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज असम। अब देखिए असम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से वैरायटी ऑफ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए जो असम एरिया है वहाँ पर इतने सारे नेशनल पार्क्स होने के कारण यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो काजीरंगा तो एक नेशनल पार्क हो गया, आप और भी फिगर्स देख सकते हैं, नेशनल पार्क्स देख सकते हैं जो कि असम में लोकेटेड है।
सो आप देख सकते हैं नंबर वन इज दिब्रू साइखोवा, उसके बाद दिहिंग पटकाय, नेक्स्ट इज काजीरंगा, नमेरी, औरांग, मानस एंड रायमोना। टोटल मिला के कितने हो गए हैं? दैट इज सेवन। और जो सेवेंथ नेशनल पार्क है वो है आपका पटकाई, और जो रिसेंटली 2021 में नोटिफाई किया गया था सिक्स, दैट इज रायमोना। तो टोटल नेशनल पार्क्स आपको असम में कितने देखने को मिलेंगे? दैट इज सेवन। अब यहाँ पर इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, राइट? सो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, इसीलिए ये जो रीजन है आपको यहाँ पर इतने सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं। अब असम के नेशनल पार्क्स आपको याद होने चाहिए, रादर आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ लगाने को भी आ सकते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ असम। सो इस डायग्राम को आप ध्यान रख सकते हैं एंड यू कैन लर्न दी वेरियस नेशनल पार्क्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन द गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। आप देखिए, लार्ज नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जो भी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं उसको क्या कहा जाता है? ए दैट इज फूड वर्ल्ड, बी दैट इज फूड चेन, सी दैट इज फूड पिरामिड, और इज इट डी विच इज फूड वेब। आप अपनी वीडियो को पॉज करके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर है दैट इज फूड वेब। अब क्योंकि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स के बारे में बात करी गई है जो कि इंटरकनेक्टेड है, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज फूड वेब। आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज अ फूड वेब, जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है जहां पर मल्टीपल फूड चेन्स रिलेटेड है। सो इट इज काइंड ऑफ अ वेब, दैट इज वाई इट इज नोन एज फूड वेब। ऑन द अदर हैंड, अगर हम फूड चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पर सिंपल चेन आपको देखने को मिलती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। सो जनरली हमारे एटमोसफेयर में, हमारी धरती पे ज़्यादातर जो भी फूड चेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है फूड वेब। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। The plant that are growing in dry lands are called A that is xerophytes, B that is halophytes, C that is mesophytes, or is it D that is hydrophytes? So आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। The answer for this question is xerophytes. अब क्योंकि ड्राई लैंड्स की बात हो रही है तो इसको क्या कहा जाता है? xerophytes. अब देखिए, xerophytes के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर स्पाइन्स दिखते हैं आपको, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ना कि लीव्स। अब क्योंकि लीव्स नहीं है, इसका मतलब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा नहीं होगी। अब क्योंकि ये ड्राई रीजन्स में है, इनको वाटर स्टोर करके रखना है, इसीलिए ये सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ाते, इसका मतलब ये क्या कंसिस्ट करते हैं? स्पाइनी स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट करते हैं, जिससे वाटर लॉस बहुत कम हो जाए। नंबर टू यहां पर एग्जिस्ट करता है सेंट्रल स्टेम विथ क्लोरोप्लास्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड थिकेंड फॉर वाटर स्टोरेज। जो जनरली आपको इसकी स्टेम्स दिखती हैं वो काफी मोटी होती हैं। वो मोटी क्यों होती हैं? जिससे कि वो वाटर को रिटेन कर पाए, नंबर वन। नंबर टू कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाए। नेक्स्ट आता है डीप रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर भी वाटर टेबल होगा। अब क्योंकि ड्राई रीजन्स हैं तो वाटर टेबल काफी नीचे होगा, इसी की वजह से जो रूट्स हैं वो पानी को ढूंढते ढूंढते कहाँ चली जाती हैं? काफी डीप। जहां पर भी वाटर टेबल एग्जिस्ट करेगा वहां पर तक रूट्स चली जाएंगी, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शैलो रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है? जो भी रेनफॉल होगी, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होगी, ड्राई रीजन्स हैं, सो ऑब्वियस सी बात है इनको अपना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वाटर को कैप्चर कर पाए। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब देखिए, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो xerophytes हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। अब क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर बायोटिक कॉम्पोनेंट। सो ए
इट इज एयर, बी इट इज फ्रॉग, सी इट इज वॉटर, और इज इट डी रेन? वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं. अब देखिए यहां पर आंसर एग्जिस्ट करता है, दैट इज फ्रॉग. अब बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब लिविंग कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है. अब जो भी आपका इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट. सो आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ऑन द अदर हैंड अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं वो हैं लिविंग थिंग्स. सो वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, ये सारे ही क्या हैं? दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. ऑन द अदर हैंड जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोरल रीफ्स आर अबंडेंट इन ए दैट इज भरतपुर, बी दैट इज क्योलोदेव, सी दैट इज सुंदरबंस, और इज इट डी गल्फ ऑफ मन्नार. अब क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, आपसे पूछा गया है कोरल रीफ्स के बारे में. ठीक है जी, सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गल्फ ऑफ मन्नार. अब देखिए क्योंकि कोरल रीफ के बारे में पूछा गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. जो सुंदरबंस हैं वो किसके लिए फेमस हैं? मैंग्रोव्स के लिए फेमस हैं. लेकिन हम कोरल रीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज प्रेजेंट इन गल्फ ऑफ मन्नार. अब आप देख भी सकते हैं हमारे इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. कोरल रीफ्स को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कुछ फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं, कुछ बैरियर रीफ्स होती हैं, और कुछ अटॉल्स होते हैं. हमारे इंडिया में ज़्यादातर फ्रिंजिंग रीफ्स और अटॉल रीफ्स आपको देखने को मिलती हैं. सो जहाँ पर भी आपको पिंक कलर देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपकी फ्रिंजिंग रीफ्स हैं. सो जो अंडमान आइलैंड्स हैं ऐसे ही वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा, एंड यू कैन सी इन दी गल्फ ऑफ मन्नार रीजन. ठीक है जी, ऐसे ही आपके अटॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर हमारे अटॉल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? दैट इज़ इन दी लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो दीज आर दी एरियाज जहाँ पर आपको रीफ्स, पर्टिकुलर रीफ्स देखने को मिलती हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्नो लेपर्ड्स आर कन्फाइंड टू ए दैट इज़ मानस, बी दैट इज़ अपर हिमालयाज, सी दैट इज़ गिर फॉरेस्ट, और इज इट डी सुंदरबंस. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अपर हिमालयाज. अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि स्नो लेपर्ड्स की बात हो रही है. सो ऑब्वियसली बात है जहाँ पर स्नो प्रेजेंट होगी वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे. सो स्नो लेपर्ड्स अगर बात हो रही है तो ये अपर हिमालयाज में आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है जी, सो यू कैन सी दिस इज दी स्नो लेपर्ड. आपको यहाँ पर इनका स्टेटस पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IUCN स्टेटस. ये क्या है? दीज आर वल्नरेबल इन दी रीजन. अब देखिए ये वल्नरेबल है, इसका मतलब क्या है? इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई स्कीम चल रही होगी, तो आपने वो ज़रूर पढ़नी है. अब IUCN स्टेटस पता चल गया, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दैट इज इन दी अपर हिमालयाज. सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितनी भी रीजन्स हैं, जनरली ये 12 कंट्रीज में पाए जाते हैं. क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा था तो अपर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही हर रीजन में, हर कंट्री में आपको ये देखने को मिलते हैं. कितनी कंट्रीज हैं? दैट इज 12 कंट्रीज. सो रशिया, मंगोलिया, तजिकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ही आपको कजाकिस्तान में भी ये देखने को मिलते हैं. सो ये जो 12 रेंज कंट्रीज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज स्नो लेपर्ड. ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दैट इज पिस्टिया. पिस्टिया इज अ नंबर 1 टेरेस्ट्रियल प्लांट, ए बी दैट इज ज़ेरोफाइट, सी हर्बीवोर, और इज इट डी हाइड्रोफाइट. अब पिस्टिया के बारे में पूछा गया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हाइड्रोफाइट. अब देखिए हाइड्रोफाइट एज द नेम सजेस्ट, सो यहाँ पर क्या है? जो फ्लोटिंग
आपके प्लांट्स देखने को मिलते हैं जहां पर पानी नेसेसिटी होता है। अगर पानी नहीं होगा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो जो है दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। ऐसे ही आपको फ्री फ्लोटिंग बट रूटेड वाटर्स भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लोटस और जो वाटर लिली है उनके जो पर्टिकुलर रूट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिस्टिया एंड हायसिंथ। ठीक है जी, सो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। दीज प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? वाटर। ठीक है जी, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, यू हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ए दैट इज एरिड जोन, बी दैट इज ड्राई जोन, सी दैट इज वेट जोन, और इज इट डी इंटरमीडिएट जोन। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट जोन। अब देखिए इंटरमीडिएट जोन का मतलब क्या है? जहां पर ना ज्यादा बारिश होती है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होती। सो जनरली आप एरिड जोन और ड्राई जोन को तो कट आउट कर सकते थे, आपको कंफ्यूजन हो सकती थी वेट जोन या फिर इंटरमीडिएट जोन में। अब आपको पता होना चाहिए जो वेट जोन है वहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अबव होती है। सो अगर 100 टू 200 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं सो इट बिकम्स द इंटरमीडिएट जोन। ठीक है जी, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। सो आप डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट जोन्स। इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल कितनी है? 100 टू 200 सेंटीमीटर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं सो यहाँ पर आपको रेनफॉल 200 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है जी, सो दिस इज एवरग्रीन एंड दिस इज डेसिडुअस। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब कार्बन क्रेडिट की बात करी जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ए दैट इज क्योटो, बी दैट इज दोहा राउंड, सी दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इज इट डी अर्थ समिट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर है दैट इज ए, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट्स की बात की गई थी। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या थे? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में तीन तरह के मिशन लॉन्च करे गए थे। पहला वॉज नोन एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा वॉज नोन एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड लास्ट वन वॉज नोन एज एमिशन ट्रेडिंग। सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आप पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में सीख लीजिए। देखिए एक जो होगी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होगी और दूसरी डेवलपिंग कंट्री। मान लीजिए एक है यूएसए और एक डेवलपिंग नेशन मान लीजिए इंडिया। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूएसए कुछ क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जो उनके पास हैं उनको ट्रांसफर करेगी। किन के पास? डेवलपिंग नेशन के पास। सो यहां पर जो भी अमाउंट होगा वो किस टर्मिनोलॉजी में यहां पर भेजा जाएगा, दैट इज सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, जिनको CERs कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो दोनों ही कंट्रीज क्या होंगी, इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन्स, इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज, फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड जापान। अब यहां पर डेवलपिंग नेशन नहीं है, दोनों ही डेवलप्ड नेशंस हैं। तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी उनको कहा जाता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सो दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम एमिशन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं सो यहां पर आपको इंडस्ट्रियलाइज कंट्री एक मिलेगा और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बी। अगेन आप यूएसए और जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो यहां पर क्या होता है कि जो कंट्री अच्छा परफॉर्म करती है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यूएसए को टारगेट दिया गया था कि आपने एक साल में 200 यूनिट्स ऑफ कार्बन ही एमिट करना है, टारगेट दिया गया है। ऐसे ही जापान को भी टारगेट दिया गया था कि आपको एक एनुअल ईयर में 200 यूनिट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करना है। अब क्या किया, यूएसए ने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी और यहां पर उन्होंने 200 यूनिट्स की जगह सिर्फ 100 यूनिट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। ऑन द अदर हैंड अब जापान ने टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाया वो,
और उसने 200 नहीं 300 यूनिट्स को एमिट कर दिया, मतलब टारगेट को वो ज्यादा अपलोड कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यूएसए ने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन जापान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर 100 यूनिट्स इसके बच जाते हैं क्योंकि इसने क्या किया है, अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, राइट। सो यहां पर क्या है कि जो यूएसए है वो ये अपने कार्बन क्रेडिट्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है, सेल कर सकता है क्योंकि इसके पास एडवांटेज है, ठीक है। सो इसी को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो जो कार्बन क्रेडिट का क्राइटेरिया है वो कब लाया गया था, दैट वॉज इन क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है जी। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।